दो सस्पेक्टेड पर्सन दिखाई दिए जिन्हें पहचान के लिए पास बुलाने पर वो सीमा की ओर भागने लगे। पेट्रोल पार्टी द्वारा उनके पीछे करके पकड़ा गया। उनकी कैंप की तलाशी लेने पर लगभग 108 केजी गोल बार्स बरामद हुआ। ये भारत में इंटरनेशनल बाउंड्री पर अब तक की सबसे बड़ी गोल की बरामदगी है। जुलाई 2024 को लगभग दोपहर 1:32 PM लगभग में लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग पार्टी 21 बटालियन ITBP के टैक्ट हेडक्वार्टर कोयल से श्री दीपक भट्ट डिप्टी कमांडेंट की लीडरशिप में 21 जवानों का ग्रुप आज से 15 तक मिशन पर थे। 9 तारीख की सुबह लॉन्ग रेंज पेट्रोलिंग अपने मिशन पर नरबुला टॉप से आगे इंटरनेशनल बाउंड्री की ओर जा रहे थे तो उन्हें दोपहर के लगभग 1:20-1:30 के आसपास इंटरनेशनल बाउंड्री से अप्रॉक्सिमेटली 1 किलोमीटर पहले दो सस्पेक्टेड पर्सन दिखाई दिए जिन्हें पहचान के लिए पास बुलाने पर वो सीमा की ओर भागने लगे। पेट्रोल पार्टी द्वारा उनके पीछे करके पकड़ा गया। उनकी कैंप की तलाशी लेने पर लगभग 108 केजी गोल बार्स और चाइनीज फूड्स और अदर आइटम्स बरामद हुआ। LRP के पार्टी लीडर द्वारा इसकी सूचना श्री अजय निर्मलकर कमांडेंट 21 बटालियन को दिया गई। श्री अजय ने LRP ट्रूप्स को बरामद गोल अन्य सामान तथा अरेस्टेड स्मगलर को सेफली 21 बटालियन कोयूल में लाने के इंस्ट्रक्शन दिए गए ताकि आगे की प्रक्रिया और जांच सिस्टर एजेंसीज के कोऑर्डिनेशन के साथ की जा सके। साथ ही हायर हेडक्वार्टर को अवगत कराया गया। ये LRP नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर के अंदर कमांड सेक्टर हेडक्वार्टर श्रीनगर द्वारा निगरानी और सीमा सुरक्षा के लिए एक साथ लॉन्च की गई पेट्रोल का हिस्सा है जिन्हें विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर लॉन्च किया गया। ये भारत में इंटरनेशनल बाउंड्री पर अब तक की सबसे बड़ी गोल की बरामदगी है। सीस आइटम्स है गोल आइटम्स गोल बार्स 1-1 केजी का 108 बार्स 108 केजी मोबाइल नंबर 2 मोबाइल नंबर्स बायनोकुलर 1 चाइनीज फूड आइटम्स जैसे फ्रैगन केक लाओ बेजिंग मिल्क 2 केन मिल्क लस्सी 2 पैकेट और नाइफ्स 2 और पोनीज 2 एक टॉर्च एक हैमर एक प्लायर्स और अरेस्ट डिटेन पर्सन का नाम है टेंजिन तारगे करीबन 40 इयर्स का फादर्स नेम शफिल वांगदूर और सेकंड पर्सन छेरिंग चंबा एज 69 इयर्स अप्रॉक्सिमेटली और फादर्स नेम नोबू दोर्जी हैनले विलेज की निवासी। सभी फॉर्मेलिटीज का पालन किया गया। ये अवगत किया जा सकता है कि ITB फोर्स को MHA द्वारा सीमा पर तलाशी और जब्ती करने के लिए भी अधिकृत किया गया है और ITBP फोर्स को तस्करी गतिविधियों पर जांच करने के लिए सीमा पर कस्टम्स की पावर का प्रयोग करने के लिए ITBP एक्ट में भी प्रोविजंस है। सस्पेक्टेड पर्सन से सिविल पुलिस IB अपना सिस्टर एजेंसीज और ITBP फोर्स द्वारा ज्वाइंट इंटरोगेशन की जाएगी और फॉलोअप्स भी अभी भी हो रही हैं। जब सामग्री को सस्पेक्ट के साथ कस्टम्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स को आगे की पूछताछ और लॉ के अनुसार आवश्यक कार्यवाही के लिए हैंडओवर कर दिया है।